नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, HSC के एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होने से संबंधित तो आप सभी को पता चल भी गया होगा और साइट पे नोटिस भी आ गया। इसके अलावा HSSC CET भर्ती से संबंधित जल्द ही आएगा ये नोटिस। सब कुछ होगा CCA के सामने, तो कौन सा नोटिस नया आने वाला है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और यदि हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा HSSC ने पहले क्या किया था, आपके लॉगिन ID और पासवर्ड से आपका रिजल्ट जारी किया था, यानी कि खुद का रिजल्ट खुद ही देख पा रहे थे। अब जो जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो क्लियर हुआ है या फेल हुआ है, यानी कि 770,000 कैंडिडेट ने जिसने पेपर दिया है, जितने भी टोटल है, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे नॉट क्वालिफाई हो, सबका रिजल्ट, डिटेल रिजल्ट, एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक के नंबर जोड़ के जो अपडेटेड रिजल्ट है वो साइट ऑफिशियल नोटिस डाला जाएगा, जैसे बाकी भर्तियों के रिजल्ट आते हैं इस तरीके से, यानी कि किसी का रिजल्ट कोई भी देख सकता है। तो इससे क्या होगा, कोर्ट के आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है। इससे ये होगा कि सबको सब पता रहेगा कि कौन 4 गुणा में आएगा या नहीं आएगा, सब चीज़ों से पता लगेगा। मान लो अभी तो फॉर एग्जाम्पल 4 गुणा में किसी पोस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, देखो सभी साथी ये चाहते हैं क्वालिफाई के लिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी 4 गुणा की बात करें, अगर मान लो 4 गुणा के टॉप बच्चे बुलाते हैं, मान लो 66 पर कट ऑफ गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 66 पे गई है, 67 पे गई है, 65 पे गई है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि टॉप 4,000 कितने कैंडिडेट है, 20,000 कितने हैं, 25,000 कितने हैं, सब इसमें सब कुछ आराम से पता लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।